दोस्तों आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं? मतलब ऐसा करके आपको क्या मिल रहा है? मैं 4-5-6 दिन से वीडियो बना रहा हूँ बीएसएनएल के ऊपर, बीएसएनएल के अपडेट न्यूज के ऊपर। आप वहां पर जाके कमेंट्स कर रहे हो कि मुझे सस्ता रिचार्ज नहीं चाहिए, हाँ, मेरे देशवासी को मुझे सस्ता रिचार्ज मिले या ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अच्छा ही नेटवर्क चाहिए और ये सिर्फ जियो दे पाएगा, ये सिर्फ एयरटेल दे पाएगा, ये दे पाएगा, वो दे पाएगा, जितना महंगा हो सके हो जाए, लेकिन मुझे अच्छा नेटवर्क चाहिए, ये चाहिए। बीएसएनएल फालतू है, बीएसएनएल बेकार है, बीएसएनएल लॉल है, देशवासी बाहर में जाए, देशवासी को सस्ता रिचार्ज मिले या ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सस्ता से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अच्छा चाहिए, इस टाइप का मतलब क्या, मतलब दिमाग में क्या घुस के बैठे हो? देखिए मैं 4-5-6 दिन से इसीलिए बीएसएनएल के ऊपर वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि मेरे पूरे के पूरे इंडिया वासी को, पूरे देशवासी को सस्ता रिचार्ज मिले, क्योंकि एक रिचार्ज का मतलब एक महीने का रिचार्ज का आपको अभी 300-400 रुपीज लग रहा है। मेरे घर में 5 लोगों का रिचार्ज मुझे करना पड़ता है, यानी कि मुझे 1500 रुपीज लग जाता है एक महीने में सिर्फ रिचार्ज का, और भी बहुत सारे यहाँ पे खर्चा हो जाता है। तो मैं दिल से चाहता हूँ कि जितना भी लोअर मिडिल क्लास है वो भी चाहते हैं कि पूरे देशवासी को एकदम सस्ता रिचार्ज मिले, उसमें थोड़ा नेटवर्क जो है वो भी अच्छा मिले, ठीक है। तो बीएसएनएल अपने आप को सुधार रहे हैं, अगर हम भी उनका सपोर्ट करें, गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, बीएसएनएल को थोड़ा सपोर्ट करें, तो हो सकता है कि बीएसएनएल आने वाले दिन में बहुत ज्यादा स्पीड हम लोग को दे, नेटवर्क को अच्छा खासा इंक्रीज कर ले, हो भी सकता है ना, ऐसा तो नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग मतलब धड़े से धड़े कमेंट कर रहे हो कि ये बीएसएनएल एकदम नहीं आएगा, 2026 तक आ जाएगा बीएसएनएल, बीएसएनएल कभी भी अपना नेटवर्क का जो नेटवर्क है उसको इंक्रीज नहीं कर पाएगा। इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो थोड़ा उम्मीद लेके बैठे हैं कि हाँ बीएसएनएल आएगा तो 4G ले आएगा, थोड़ा बहुत स्पीड भी मिलेगा, नेटवर्क भी अच्छा खासा मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है इंडिया, और पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही टेलीकॉम कंपनी है, वो है बीएसएनएल, जो कि बहुत ज्यादा सस्ते रिचार्ज देता है, वो भी 4G। तो उम्मीद, लोगों का जो उम्मीद है ना उसको प्लीज मत तोड़ो, लोग चाहते हैं कि सस्ता रिचार्ज मिले सबको। तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ बीएसएनएल का, जितना भी अपडेट आ रहा है, 4G कब तक लॉन्च होगा, किस तरह का 4G का लॉन्च हो रहा है, कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये सब कुछ मैं बार बार वीडियो में ऐसा ही नहीं बता रहा हूँ, आप सभी को मैं बार बार वीडियो में बता रहा हूँ कि आप कहाँ से हो, आपकी वहां पे अभी बीएसएनएल का नेटवर्क कैसा है वो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, नीचे कमेंट में बताइए आप कहाँ से हो और बीएसएनएल का स्पीड कैसा है, इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ है, इससे लोगों को पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ कहाँ का इंक्रीज हुआ है। और आप लोग जा सकते हैं मेरे दूसरे वाला वीडियो पे, देख सकते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसा आया है जहां पर लोग बता रहे हैं कि हाँ मेरे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है 4G, ठीक है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, लोगों का उम्मीद मत तोड़िए, आप यूज कर सकते हैं जियो, एयरटेल, VIA, मैं भी यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ जियो का और बीएसएनएल का भी यूज कर रहा हूँ। अगर जियो हम लोग को सस्ता रिचार्ज देगा महीने का तो हम जियो यूज करेंगे, एयरटेल लगा देगा तो एयरटेल यूज करेंगे। सस्ता रिचार्ज चाहिए हम सभी को, पूरे देशवासी को, इसीलिए मैं ये वीडियो सब बना रहा हूँ। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि बीएसएनएल अपने 4G लॉन्च कर रहा है और अपना जो नेटवर्क है, जो इंटरनेट स्पीड है, उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया है आगे से, ठीक है। तो चलिए यही था आज का वीडियो, प्लीज ऐसा मत कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहाँ से हो और आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है बीएसएनएल का, ठीक है। चलिए यही था वीडियो, और हाँ मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बीएसएनएल के ऊपर बहुत बड़े अपडेट न्यूज आया है, ठीक है, और उसको थोड़ा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि बीएसएनएल 4G के ऊपर काम कर रहा है, गवर्नमेंट भी काम कर रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।